हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अपेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट AX2 इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11। इट्स सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर इज एंड वी आर गिवन फोर ऑप्शन। वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, अगर बात करें अब हम अपने जो एक्सप्रेशन है उसकी, वो हमारी कैसे बनेगी। तो जो हमारा सॉल्ट है AX2, जब भी डिसोसिएट करेगा तो ये आयंस बनाएगा हमारे, एक कैटायन एनायन। तो ये जो बनेगा हमारा A2+ बनेगा और साथ में हमारे पास बनेगा 2X-। इसके भी लिए एस लिखते थे, इसके लिए भी एस लिखते थे। अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें इसकी, तो इट्स एक्सप्रेशन विल बी के एस पी इज इक्वल टू, एस के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, सिंपली लिख देंगे। एंड यहाँ पर जो एस है इसके पास में 2 है और 2 इसके पावर में लिख देंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 था। यहाँ से हमें वैल्यू मिल चुकी है कि हमारी के एस पी की क्या होगी, 3। अच्छा जी, 2 से 4 हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 4S³। ठीक है, 4S³ यहाँ से हमें पता चल गया। अब हम इसे वैल्यूज पुट करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास के एस पी की वैल्यू थी 3.2। ठीक है, तो के एस पी इज इक्वल टू 4S³। के एस पी वाज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड दिस इज इक्वल टू 4, और S³ हमें निकालना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे S³ इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाई 4 एंड द वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, अब हमें क्या करना है, एस का यहाँ पे हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट के लिए हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -12 1/3। यहाँ से एस की जो वैल्यू आएगी हमारी दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।